हाल ही में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस अपने जीत के सपने देख रही थी, लेकिन कांग्रेस के सपने उस वक्त टूट गए जब नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिला। उसके बाद से ही कांग्रेस अब तक अपनी हार के कारण तलाश रही है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीते शनिवार कहा कि यदि प्रदेश नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव में कुछ और वंचित टिकट दिलवा दिए होते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बन गई होती। डोटासरा ने स्वीकार किया कि कुछ नेताओं के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, इसके बावजूद भी उन्हें टिकट मिल गया। इसकी वजह से कांग्रेस राज्य में दोबारा सरकार बनाने में असफल रही, हम स्टैंड लेने में असफल रहे। पीसीसी चीफ बाड़मेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जब डोटासरा से पूछा गया कि क्या वे उम्मीदवारों के चयन से संबंध में उनकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करने के लिए कांग्रेस आलाकमान को दोषी ठहरा रहे हैं, इस पर डोटासरा ने स्पष्ट किया कि ये उनकी गलती थी, वे जमीनी स्थिति का ठीक से आकलन करने में विफल रहे। कुछ नेताओं के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, लेकिन उन्हें फिर भी टिकट दिया गया और राज्य नेतृत्व कोई बड़ा स्टैंड लेने में विफल रहा। सब कुछ ठीक था, योजनाएं बढ़िया थी, शासन ठीक था, इसके बावजूद हम दोबारा सरकार बनाने में असफल रहे क्योंकि हमने समय पर स्टैंड नहीं लिया। सुनिए उनका पूरा बयान। ये नहीं बात हुई थी, ये रंधावा साहब का बयान था कि हम लोग चाहते थे कि कुछ टिकटें कटे, नए लोगों को टिकटें मिले, जिससे हम लोग दोबारा सरकार में आ सकें, क्योंकि सवाल ये था कि योजनाएं हमारी अच्छी थी, लेकिन वो काम हम नहीं कर पाए। हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे रहे, पार्टी आलाकमान को दोष नहीं दे पा रहे, हम मोह नहीं छोड़ पाए, हम हमारे पुराने लोगों का मोह नहीं छोड़ पाए, जिनकी एंटी कमेंसी थी उनको भी हमने पुनः टिकट दे दी, और दे दी तो परिणाम विपरीत आ गए। बाकी कोई जनता तो कांग्रेस को ही चाहती थी, जनता तो आज भी कह रही है कि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वैसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी कभी जिंदगी में बना ही नहीं सकती। ये कहा था इन्होंने कि हमारी कमी है कि हम चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पाए, 10-20-25 टिकटें हम और काट देते जिन लोगों के खिलाफ एंटी कमेंसी आ रही थी, तो योजनाएं अच्छी थी तो हम आ जाते और जनता आशीर्वाद देती और सरकार में हम होते। माराम जी ने कहा त्याग नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, माराम जी ने कहा। और अमीन खान साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, लास्ट में कहा कि जिलाध्यक्ष कहाँ है, आपने हालांकि जवाब तो दिया उनको। दोनों बातें अमीन खान जी को देखनी पड़ेगी, मेरी बात भी ठीक है कि उनका ये दर्द सही है कि जिलाध्यक्ष ही अगर पार्टी के खिलाफ लड़ ले तो फिर मतलब क्या है, लेकिन जो त्याग वाली बात है वो त्याग वाली बात भी उनको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये दोनों पहिए साथ चलते हैं, तो त्याग जरूरी है, चाहे परिवार हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे पार्टी हो, त्याग भी जरूरी है और पार्टी के प्रति समर्पण और लॉयल्टी भी जरूरी है। दोनों चीज़ें अब साथ चलेंगी तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें अपनी अपनी मन की सबने बातें कही हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए भी यही विचार साझा किए थे। रंधावा का भी कहना यही था कि डोटासरा और मैं कुछ नेताओं को टिकट देने से इनकार करना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए, हम स्टैंड लेने में असफल रहे। डोटासरा और रंधावा के बयान पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी राजस्थान की इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।